नमस्कार, मैं इमरान सुजीर खान। दोस्तों, आज मैं आपको प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के बारे में कुछ बताऊंगा और कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। नमस्ते। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सर, पढ़ाई तो एकदम चल रही है। ये पूछना चाह रहा हूँ कि एनुअल फंक्शन है, उसका क्या करना है? एनुअल फंक्शन की तैयारी जोरों पर है और इस बार तुम्हें धमाल करना है। कहाँ आओ? जान, तेरे पीछे। कहाँ थे आप? वेट, ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। जी पूछिए। तो रुक, मैं बताती हूँ। सर, ये पूछना चाह रहा है, अभी आप बाहर गए और उन लड़के लड़की ने जो पॉलीथिन फेंकी वो उठाकर आपने अपनी जेब में रख ली, क्यों सर? मैं बताता हूँ। लगभग लाखों प्राणी जैसे डॉल्फिन, कछुआ, मछली, गाय आदि की पॉलीथिन बैग खाने से मौत हो जाती है। कई जानवर खाने की चीज समझकर इनको खा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, समझे? समझ गए। सर, मैं तो आज के बाद पॉलिथीन यूज करूंगी ही नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया था। वेल डन रवि। और सर, मैं तो कसम खाता हूँ, ना आज के बाद कभी प्लास्टिक बैग्स यूज करूंगा और ना आस पड़ोस में कभी किसी को करने दूंगा। चलें सर। चलिए। तो देखा आपने, एक टीचर ने कितनी खूबसूरती से अपने स्टूडेंट्स को समझाया। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। माँ, मुझे भी दीजिए। सॉरी अंकल, वो गलती से चला गया। सॉरी की कोई बात नहीं है, पर क्या एक मिनट आप मेरी बात सुन सकते हैं? जी बोलिए, क्या बोलना है? क्या आप जानते हैं, प्रति वर्ष अधिक से अधिक ये प्लास्टिक के बैग्स हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और ये प्लास्टिक के बैग्स हमें पानी के स्रोतों, उद्यानों, सड़कों और समुद्रों में मिल जाते हैं, और जो पेट्रोल हम इन प्लास्टिक की पन्नियों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम इनका बहिष्कार करें तो वो पेट्रोल हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए काम आ सकता है। तो प्लीज़, इन प्लास्टिक के बैगों का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि ना ही करें। ओके अंकल, अभी से ही हम इस प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय। तो देखा आपने, हर बात के लिए गुस्सा जरूरी नहीं है, कुछ बातें प्यार से भी समझाई जा सकती है, जैसे हमारे बिजनेस मैन ने समझाया। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ।
ए चल निकाल फटाफट, अरे टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी निकाल। पैसा नहीं वो निकाल, वो पॉलिथीन। हाँ पॉलिथीन, चल निकाल। अभी आगे से इस्तेमाल नहीं करने का, ये करने का, ठीक है? चदक चल रहे भाई। भाई क्या है ये, वो सारा अच्छा खासा पैसे दे रहा था, आपने पन्नी शन्नी का मैटर क्यों पकड़ा भाई? भाई कल तक तो अपन पैसा वसूल किया करते थे, आजकल ये पन्नी वन्नी का क्या मैटर है भाई, अपनी समझ में नहीं आया। देख मुन्ना, ये जो पन्नी है ना, अपने देश को गंदा कर रही है, और इसको गलने में साला 1000 वर्ष का समय लगता है, समझा क्या? अभी वो कौन सी सोसाइटी है, खिदमत, उसने भी अभी है ना पन्नी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, उसमें बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, टीचर, बड़ा बड़ा लोग शामिल है, अपने को भी इसमें शामिल होने का है, अपन भी देश का नागरिक ना भाई, कुछ करने का है क्या, देश का कर्ज चुकाने का है, चल तो अपन भी शुरू करते हैं, आ जा। तो देखा आपने, अगर अशिक्षित भी चाहे बात को समझना, तो वो समझ के उस बात को दूसरों को समझा भी सकता है। प्लास्टिक बैग आज हमारे बीच में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ये सस्ता, मजबूत और आसानी से मिल जाता है, लेकिन आज के आधुनिक समय में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। पर क्या आप जानते हैं कि इस सबसे इस्तेमाल से आज हमारा जीवन ख़त्म सा होता जा रहा है, और इन सब के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। क्या आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाते हैं? तो देखिए, प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन का इस्तेमाल करने का अंजाम, क्योंकि कुछ जीव जंतु जैसे गाय, बकरी, भैंस, कछुआ, मछली आदि पॉलीथीन को खाने की चीज़ समझ के इसे खा जाते हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे हमारा जनजीवन एवं वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप और हम हैं। कल को स्वच्छ बनाने के लिए हमें आज अभी इसी वक्त पॉलीथीन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद करना होगा। चलिए, तब मुझे दीजिए इजाज़त, मेहमान सुजल खान, फिर मुलाकात होगी एक अगली मुहिम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना जाफरी, हमारी संस्था खिदमत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पॉलिथीन बहिष्कार की मुहिम शुरू की है, जिसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी संस्था या मैं अकेले इस मुहिम को अपने अंजाम तक नहीं पहुँचा सकती। इस मुहिम को इसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। क्या आप हमारे साथ हैं? आज से प्लास्टिक के बैगों का करो बहिष्कार, स्वच्छ भारत का करो आगाज। नमस्कार। पॉलीथीन का करो बहिष्कार और स्वच्छ भारत का करो आगाज, जनहित में जारी।